अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद माज और आपका स्वागत है इस्लामिक फिटनेस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 10 हाई प्रोटीन फूड रमज़ान में। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आता है पीनट्स, मूंगफली। 10 ग्राम पीनट्स में आपको 2.58 ग्राम प्रोटीन, 1.61 ग्राम कार्ब्स और टोटल फैट जो होगी 4.92 होगी। इसमें जो आपको टोटल कैलोरीज होगी वो होगी 57। नाइन्थ फूड होगा वो होगा आलमंड्स। 10 आलमंड्स में आपको 2.55 ग्राम प्रोटीन, टोटल कार्ब्स हो गए 2.37 ग्राम्स और टोटल फैट जो होगा 6 ग्राम्स होगा। इसमें आपको 69 कैलोरीज होंगी। हमारा जो 8वां प्रोटीन फूड होगा वो होगा मिल्क, दूध। एक ग्लास दूध में आपको 8.22 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम कार्ब्स और 2 ग्राम फैट होगा। इसमें आपको 102 कैलोरीज होंगी। हमारा 7th फूड होगा वो होगा योगर्ट। 100 ग्राम योगर्ट में आपको 8 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम कार्ब्स और 2.5 ग्राम फैट रहेगा और इसमें टोटल कैलोरीज रहेंगी वो होंगी 81। हमारा जो 6th फूड होगा वो होगा ओट्स। 100 ग्राम ओट्स में आपको 13 ग्राम्स प्रोटीन, 66 ग्राम्स कार्ब्स और 5 ग्राम्स फैट रहेगा और इसमें टोटल कैलोरीज जो रहेंगी वो होंगी 386। हमारा 5th फूड रहेगा वो होगा पनीर। 100 ग्राम पनीर में आपको 15 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम कार्ब्स और 25 ग्राम्स फैट रहेगा। इसमें कैलोरीज आकर आपको 293 कैलोरीज रहेंगी। 4th नंबर पे जो आता है वो है फिश। 100 ग्राम फिश में आपको 17.76 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्ब और 1 ग्राम फैट होता है। इसकी जो टोटल कैलोरीज होगी वो होंगी 84। हमारा 3rd फूड जो रहेगा वो होगा बीफ। 100 ग्राम बीफ में आपको 26.33 ग्राम्स प्रोटीन, 0 ग्राम कार्ब्स और 20 ग्राम्स फैट रहेगा। इसमें टोटल कैलोरीज जो रहेंगी वो होगी 288। हमारा 2nd फूड है वो होगी चिकन ब्रेस्ट। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको 29.55 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम कार्ब और 7.72 ग्राम्स फैट रहेगा। इसमें आपको 195 कैलोरीज रहेंगी। हमारे नंबर 1 पे जो फूड रहेगा वो होगा एग, अंडा। एक लार्ज एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन, 0.58 ग्राम कार्ब्स और 5 ग्राम्स फैट रहेगा। इसमें जो टोटल कैलोरीज रहेंगी वो होंगी 77। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए अल्लाह हाफिज़।